अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. ओके क्लास, आवर टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अच्छा वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो कौन कौन से अवामिल हैं जो ट्रांसपिरेशन के रेट को बढ़ाते हैं या कम करते हैं. उसमें आपके पास सबसे पहला फैक्टर आ जाता है वेंट, सेकेंड वन इज़ टेम्परेचर, थर्ड वन इज़ डाइट एंड फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी. दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. सबसे पहला फैक्टर जो है वो है विंड. द स्टिल एयर सराउंडिंग द प्लांट लीव्स बिकम ह्यूमिड एंड रिजिस्ट द फ्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इन टू द एयर. स्टिल एयर जो होती है वो ऐसी एयर होती है, मीन्स के एक तो होती है मूविंग एयर जिसे हम विंड कहते हैं, जबकि स्टिल एयर मीन्स दैट वन देयर इज़ नो एयर प्रेजेंट. तो स्टिल लेयर में जो प्लांट होता है उसके जो लीव्स होते हैं वो ह्यूमिड ही रहते हैं, मतलब कि उन लीव्स के अंदर नमी रहती है, बिकॉज देयर इज़ नो डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू द एयर, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं हो रहा होता है. मींस डिफ्यूजन मींस के किसी भी मटेरियल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, मतलब पानी जो है वो एयर की एब्सेंस की वजह से, हवा मौजूद ना होने की वजह से मूव नहीं करता लीव से और लीव के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से लीव जो हैं वो ह्यूमिड रहते हैं, नम रहते हैं. इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो भी डिक्रीज करता है, मींस के ट्रांसपिरेशन का जो रेट है वो होता ही नहीं है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता ही नहीं है, बहुत कम हो रहा होता है, बहुत स्लोली स्लोली हो रहा होता है, बिकॉज देयर इज़ नो एयर. विंड स्वीप्स द ह्यूमिडिटी अवे फ्राम द लीव सराउंडिंग एंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. जबकि विंड दैट मीन्स मूविंग एयर, स्टिल एयर मीन्स डैट देयर इज नो एयर, वाइल विंड मीन्स मूविंग एयर. मूविंग एयर जो होती है वो स्वीप्स कर देती है, मतलब कि ह्यूमिडिटी को रिमूव कर देती है लीव्स की सरफेस को, और फिर जिसकी वजह से लीव्स के ऊपर से जब ह्यूमिडिटी रिमूव होगी डैट मीन्स के वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन प्रोसेस या थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. तो दैट्स मीन के विंड जो है वो ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करती है, जबकि स्टिल एयर जो होती है उसमें पायरेशन का प्रोसेस जो होता है वो नहीं हो रहा होता. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. राइज इन टेम्परेचर प्रोवाइड मोर एनर्जी टू वाटर मोलिक्यूल्स फॉर इवेपोरेशन फ्रॉम लीव सरफेस, हेंस इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब जैसे टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, एज़ यू नो कि ड्यूरिंग समर्स टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, ज़्यादा होता है टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है. डैट मीन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीडली मूव कर रहे होते हैं, आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होती है लीव्स के अंदर, मतलब कि पानी जो है वो इवेपोरेट होता है वेपर्स की फॉर्म में, और जिसके रिजल्ट में पानी इवेपोरेट हो रहा है, फिर जिसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है. मींस डैट के टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है. विद राइज इन टेम्परेचर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस. जबकि कूल रीजन्स में ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत स्लोली स्लोली हो रहा होता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिड एयर. नेक्स्ट वन इज लाइट. इन सन लाइट द स्टोमेटा रिमेन ओपन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर थ्रू देम. वो कह रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब सूरज की रोशनी में क्या होता है, सूरज की जब छुआएँ पड़ी होती हैं किसी भी प्लांट के ऊपर तो स्टोमेटा जो होता है वो ओपन रहता है. स्टोमेटा ओपन रहेगा डैट्स मीन के वाटर रिमूवल जो होगा वो ईजी होगा. लीव्स के अंदर एज यू नो के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसने वाटर को रिमूव करना होता है लीव्स की सरफेस पे इनटू द सराउंडिंग एयर. तो जब स्टोमेटा ओपन होगा तो पानी जो है वो ईजीली इवेपोरेट होगा लीव्स से, मतलब स्टोमेटा के थ्रू लीव्स से इवेपोरेट होगा पानी, और ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा. जबकि एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज. ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. इस तरह लाइट जो है ना वो अफेक्ट करती है, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टोमेटा जो है वो ओपन है. स्टोमेटा ओपन है तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, जबकि नाइट में स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लोली होता है. तो इन दिस वे जो लाइट है वो अफेक्ट करती है ट्रांसपिरेशन के रेट को. फोर्थ वन इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड एयर, ह्यूमिडिटी मीन नमी, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी होना. ह्यूमिड एयर सराउंडिंग द प्लांट्स कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, थस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू द एयर.
ह्यूमिड एयर, मतलब ऐसी एयर जिसमें नमी शामिल हो, और उसने प्लांट को सराउंड किया हुआ, डैट्स मीन के प्लांट के सराउंडिंग एयर जो है वो अगर ह्यूमिड होगी, डैट्स मीन कि उसके अंदर नमी है, सो दिस एयर कंटेन अ लॉट अमाउंट ऑफ वाटर, थस डिक्रीजिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम प्लांट लीव्स इनटू द एयर. सो डैट्स वाई जो प्लांट के लीव के अंदर पानी होगा वो जो है वो मूव नहीं करेगा लीव्स की सरफेस, क्योंकि बाहर पहले ही बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, नमी है पानी. डिफ्यूजन क्या होता है कि मतलब किसी भी मटेरियल का मूव करना, चाहे वो पानी हो, मिनरल्स हो, पानी का मटेरियल का मूव करना फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. तो जब पहले ही हवा में बहुत ज़्यादा नमी होगी तो पानी जो है वो अपनी ही जगह पे रहेगा और लीव से इवापोरेट नहीं करेगा ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, बिकॉज द एयर इज़ ह्यूमिड. सो डैट्स वाई इट स्लोज डाउन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. इस वजह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो स्लोली स्लो हो जाता है बहुत ज़्यादा. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ रैपिड इन फायर. जबकि इन कंपैरिजन अगर एयर जो होगी वो ड्राई होगी, डैट्स मीन कि एक ह्यूमिड एयर होती है और दूसरी ड्राई एयर. ड्राई एयर मीन पानी में नमी मौजूद ना हो, तो ऐसी एयर को हम ड्राई एयर कहते हैं. तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो ड्राई एयर में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद ह्यूमिड एयर. अच्छा, पॉइंट टू पॉन्डर वाला टॉपिक देखें. ग्रेविटी डजन इफेक्ट द कैपिलरी एक्शन, रिक्वेस्ट योर टीचर टू एक्सप्लेन वाई. अच्छा, ग्रेविटी जो है वो अफेक्ट नहीं करती कैपिलरी एक्शन को. आपने इसका रीज़न बताना है क्या है कि मतलब कैपिलरी एक्शन का प्रोसेस जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज कैपिलरी एक्शन को करवाने के लिए जो दो फोर्सेज रिक्वायर होती हैं, इसमें एक तो फोर्स आती है आपके पास कोहेन की फोर्स, एंड द सेकेंड फोर्स इज एडहेरियन फोर्स. टू टाइप ऑफ फोर्सेज होती हैं वो कैरी आउट करवाती हैं कैपिलरी एक्शन के प्रोसेस को, जिसमें आपके पास कोहेन की फोर्स ऐसी फोर्स होती है द फोर्स दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल्स, जबकि जो एडहेरियन फोर्स होती है दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मोलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ द मटेरियल. मतलब कि पानी के आपस में जो मोलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स प्रेजेंट होती है वो कोहेन फोर्स होती है, जबकि पानी की मोलिक्यूल्स की अट्रैक्शन हो किसी भी मटेरियल की सरफेस के साथ तो वो फोर्स होती है एडहेरियन फोर्स होती है. अब ये दो फोर्सेस होती हैं, ये कॉम्बो फोर्सेस होती हैं, ये जो है कैपिलरी एक्शन के प्रोसेस को कैरी आउट करवाती हैं. तो पानी जो होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स अपवर्ड थ्रू दीज टू फोर्सेस. इंफॉर्मेटिव वाला ब्लॉग देखें. व्हेन गॉट सेल्स ऑफ स्टोमेटा एब्जॉर्ब वाटर दे स्वेल अप एंड मेक द स्टोमेटा ओपन. एज यू सीन इन दिस डायाग्राम कि जो गार्ड सेल्स हैं आपके, एक ये गार्ड सेल है और दूसरा ये गार्ड सेल है, इसमें गार्ड सेल्स जो हैं उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है. पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके सेंटर में एक होल क्रिएट हो जाता है, जिस होल को स्टोमेटा कहते हैं, जिसके थ्रू जो है वो पानी जो है वो एक्सचेंज होता है. मीन्स के पानी जो है अगर लीफ में एंटर होगा तो वो स्टोमेटा के थ्रू जाएगा, और लीफ से बाहर निकलता है तो वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही निकलता है. तो कह रहे हैं कि जब गार्ड सेल्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्टोमेटा जो जो गार्ड सेल्स होते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के साथ टर्जरी हो जाते हैं, रिस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो स्वेल कर जाते हैं और उनके दरमियान में एक होल क्रिएट हो जाता है, जिस होल को स्टोमेटा कहते हैं. व्हेन गार्ड सेल लूज वाटर, जबकि दूसरे केस में देखें ये वाला जो स्ट्रक्चर आपका स्टोमेटा क्लोज वाला, इसमें जो है स्टोमेटा जो है इन्होंने पानी जो है वो अपना रिमूव कर दिया सारा, जिसकी वजह से ये थिन हो गए हैं और फ्लैसिड हो गए हैं. फ्लैसिड होने की वजह से पानी लूज़ कर दिया, तो इनका जो सेंटर वाला होल था वो जिसे हम स्टोमा कह रहे हैं, ये होल जो है बंद हो गया है. डैट्स मीन के होल बंद होने की वजह से स्टोमेटा जो है वहाँ पे कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ वाटर नहीं हो सकता. सो डैट्स वाई जनरली स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर क्लोज एट नाइट. अब यहाँ पे वो टाइमिंग बता रहे हैं कि मतलब स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है. ड्यूरिंग डे टाइम द स्टोमेटा ऑलवेज रिमेन्स ओपन, डैट्स मीन के स्टोमेटा जो है वो ओपन रहता है ड्यूरिंग डे टाइम, जबकि ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा जो होता है वो क्लोज हो जाता है. सो देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ वाटर ड्यूरिंग नाइट टाइम.
आवर चैप्टर इज कम्प्लीट. दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग.